हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? आइए स्टार्ट करते हैं हमारे सर्वे का नेक्स्ट चैप्टर, लीनियर मेजरमेंट। तो देखिए, इससे पहले मैंने आपको चैप्टर वन पूरा करवा दिया है, ठीक है। वो हमारा था फंडामेंटल ऑफ सर्विंग। उसमें हमने जो जो टॉपिक्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थे, उसके अलावा सर्वे का हमने बेसिक्स पढ़ा था, ठीक है। आज हमारा चैप्टर नंबर सेकेंड स्टार्ट हो चुका है, उसका नाम है लीनियर मेजरमेंट। देखिए, सर्वे में जो हम बात करते हैं लीनियर मेजरमेंट की, तो बेसिकली लीनियर मेजरमेंट का मतलब होता है कि हम डिस्टेंस नाप रहे हैं हॉरिजॉन्टली, ठीक है ना। तो लीनियर मेजरमेंट में डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल नापने के लिए दो उपकरण हम यूज़ करते हैं, एक होता है चेन, दूसरा होता है टेप, ठीक है ना। यानी जब भी बात करूँ मैं लीनियर मेजरमेंट्स की, तो आपके दिमाग में एक ही चीज़ आनी चाहिए, क्या? चेन या टेप, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं चेन के बारे में, ठीक है। देखिए, चेन क्या है? ग्राउंड लेवल पर किसी पॉइंट्स के लीनियर मेजरमेंट हेतु चेन का उपयोग करते हैं, ठीक है ना। इसको हम इंग्लिश में से बोल सकते हैं कि द चेन यूज फॉर मेजरिंग द लीनियर मेजरमेंट इन द हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, सिंपल है, ठीक है। फिर बोलते हैं कि चेन, इसको एक बार ये पॉइंट बाद में इसको समझेंगे, पहले इसको पढ़ते हैं। चेन इज अ फॉलोइंग टाइप, यानी चेन कई प्रकार की होती है, ठीक है। फर्स्ट इंजीनियरिंग चेन, मैट्रिक चेन, रेवेन्यू चेन और गंटर चेन, ठीक है। तो फॉर द टाइम बीइंग, फॉर द एग्जाम परस्पेक्टिव, आपको चेन की परिभाषा कोई नहीं पूछने वाला, ठीक है। पता होना चाहिए लीनियर मेजरमेंट की बात कर रहा हूँ तो चेन या टेप की बात हो रही है, ठीक है। फिर तीसरी बात जो है वो टाइप्स ऑफ चेन, इंजीनियरिंग, मैट्रिक, रेवेन्यू और गंटर, ये चार प्रकार की चेन होती है, ठीक है। अब देखते हैं, अभी हमको इस पर्टिकुलर एक एक चेन को डिटेल पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। जो हमारे एग्जाम के परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट था, ठीक है, यानी कि जो हमारा इसको बोलते हैं क्रिस्पी, यानी कि आज हम क्रिस्पी नोट्स निकाल लेंगे, जो इंपॉर्टेंट है वो चीज़ पढ़ते हैं। देखिए, स्पेशल नोट देखिए, मैट्रिक जो चेन है ये वाली 30 मीटर या 20 मीटर की होती है, ठीक है। मैट्रिक चेन 30 मीटर या 20 मीटर की होती है, ठीक है। प्रत्येक चेन में, चाहे वो 30 मीटर की हो या 20 मीटर की हो, लिंक होता है, लिंक बना हुआ है। देखिए, लिंक की शेप ऐसी रिंग शेप होती है लिंक की, तो इस लिंक की लंबाई होती है 20 सेंटीमीटर। कितनी? 20 सेंटीमीटर लिंक की लंबाई फिक्स रहेगी। तो अगर मान लो 30 मीटर की चेन है तो कितने लिंक होंगे? 30 मीटर सेंटीमीटर हंड्रेड किया डिवाइड बाई एक लिंक में कितनी लेंथ है 20 सेंटीमीटर, तो कितने हो गए 150। 30 मीटर की चेन में 150 लिंक और 20 मीटर की चेन में 100 लिंक, ठीक है। तो पहली बात तो ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है कि 30 मीटर की चेन में कितने लिंक होते हैं, 20 में कितने लिंक होते हैं। तो लिंक आप समझ गए ना, ये लिंक की शेप होती है। आपने अगर चेन देखी होगी फिजिकली कहीं, तो ये जो दिख रही है आपको कड़ी दिख रही बीच वाली, ये इस मिड से मिड की दूरी को लिंक बोलते हैं, ठीक है ना। ये तीन कड़ी यहाँ पे इसलिए दे रखी ताकि वो इजीली बैंड हो सके, है ना। आप जब चेन भी इकट्ठा करते हो इजीली इकट्ठी हो सकती चेन, तो लिंक की बात हो रही थी ये, ठीक है। सेकेंड हमारा क्या है? रेवेन्यू चेन। रेवेन्यू चेन की लंबाई होती है 33 फिट, उसमें होता है 16 लिंक। गंटर चेन की लंबाई 66 फिट और 100 लिंक। इंजीनियर चेन की लंबाई 100 फिट और 100 लिंक, ठीक है। अब यहाँ पे एक देखिए वेरी स्पेशल पॉइंट लिखा है मैंने, ये बोलता है कि आईएस स्पेसिफिकेशन के अनुसार चेन के प्रत्येक मीटर की लेंथ में एक्यूरेसी प्लस माइनस 2 mm होती है। यानी कि वो बोल रहा है, जैसे मान लो आपकी चेन पूरी 30 मीटर की है, ठीक है, 30 मीटर की चेन, तो उसमें प्रत्येक मीटर जो है ना ये वाला, इसमें एक्यूरेसी प्लस माइनस 2 mm होगी। और कब होगी? जब उसमें 80 न्यूटन का स्टैंडर्ड टेंशन लग रहा हो। यानी कि जब हम चेन का करते हैं स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं, यानी चेन की लंबाई को या कुछ फिक्स करते हैं या चेन बनाते हैं, तो बोलता है 80 न्यूटन का टेंशन के साथ में प्रत्येक मीटर में प्लस माइनस 2 mm की उसकी एक्यूरेसी हो सकती है। या तो 1 मीटर में बात करें तो प्लस 2 mm कम हो सकती है या प्लस 2 mm ज़्यादा हो सकती है। कब? 80 किलोन्यूटन लोड के साथ। तो 20 मीटर की चेन में कितना है? 20 प्लस माइनस 0.5 mm का, सॉरी प्लस माइनस 5 mm का डिफरेंस हो सकता है। और 30 में 30 मीटर प्लस माइनस 5 mm का डिफरेंस हो सकता है, ठीक है ना। 2 mm का यार नहीं, 2 mm का डिफरेंस 1 मीटर में, और 20 मीटर में 5 mm, और 30 मीटर में 5 mm का डिफरेंस हो सकता है। ये ध्यान रखना है। इसको हम वैसे बोल सकते हैं कि टॉलरेंस लिमिट बोल सकते हैं ना, कितनी प्लस माइनस हो सकता है वेरिएशन, ध्यान रखना है। इट इज, इसको बोला मैंने वेरी स्पेशल पॉइंट, ठीक है। आगे देखिए, 1 माइल में होते हैं 80-80 गंटर चेन, और 1 एकड़ में 10 × गंटर चेन का ऑल स्क्वायर होता है, ठीक है। ये वैसे ऑब्जेक्टिव में आता तो है नहीं कभी, है लेकिन आप फॉर द टाइमिंग ध्यान रखना, बाकी ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
नोट के जो पॉइंट हमेशा मैं लिखाता आ रहा हूँ, पहले भी कहीं लिखा है मैंने, तो नोट के जितने भी पॉइंट होते हैं ना, नोट के सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है एग्जाम परस्पेक्टिव के लिए, ठीक है। जो जो मैं चीज़ बोलता हूँ ध्यान रखने की, जिससे मैंने इसको ध्यान रखना, आपको ये नहीं भूलना है, ये नहीं भूलना है, टाइप्स ऑफ चेन नहीं भूलने हैं, ठीक है, और इनके जो किसके कितने लिंक वगैरह हैं ये ध्यान रखना इसको, ठीक है। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं हमारा टेप, ठीक है। अब टेप क्या है, टेप और चेन दोनों ही क्या है, लिनन मेजरमेंट के काम आती है, है ना। अब टेप में क्या है, अलग अलग मेटल की बनी होती है, अलग अलग लेंथ की होती है, अलग अलग वेट की भी हो सकती है, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ चेन कितने हैं, क्लोथ या लिनन, बोलते हैं लिनन कपड़ा है तो लिनन टेप, मेटेलिक टेप, स्टील टेप और इनवार टेप, ठीक है। अब आपको पता है टेप, आप सब लोगों ने टेप कहीं ना कहीं घर पर यूज़ की होगी, ठीक है। अगर मैं मेजरमेंट लेने जाऊँ एक क्लोथ की या लिनन की टेप से, अगर लंबी दूरी हो तो ये हवा में साथ इसका है ना वेरिएशन हो सकता है, टेम्परेचर में ज़्यादा हो सकता है। तो ये अगर आपसे बेसिकली पूछे इन चारों में बढ़िया कौन सी, तो एक्यूरेसी के हिसाब से तो स्टील टेप है, ठीक है। और इनवार जो टेप है ये तो बनी होती है निकल और स्टील की बनी होती है, इनवार टेप। ये अगर पूछा क्वेश्चन, इनवार टेप इज मेड ऑफ निकल एंड स्टील, स्टील का 64% और निकल 36%। फिर अपना कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन यानी अल्फा, तापीय प्रसार गुणांक इनवार टेप का होता है 0.122 × 10⁻⁶ पर डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा अभी ये जब आप लोग पढ़ोगे इसको तो इसमें थोड़ा सा हो सकता है कि इसमें आपका जो है ये अल्फा इसमें वेरिएशन मिले आपको, कई जगह 1.2 × 10⁻⁶ पर डिग्री सेंटीग्रेड भी लिखा होगा, ठीक है। पर मैंने जो आपको वैल्यू लिखा है 0.122 × 10⁻⁶, ये मैंने आपको बुक से लिखा है, ये स्टैंडर्ड बुक से, ठीक है। तो फॉर टाइमिंग अगर कोई इशू होता है तो हमारे इशू के केस में बुक को ही प्रेफर करते हैं, तो बुक में ये वैल्यू दे रखी है, इसलिए मैंने आपको ये वैल्यू नोट करवाई है, ठीक है। बाकी अगर कुछ और हमारे पास रिजल्ट आएगा बढ़िया तो हम देख लेंगे, लेकिन फॉर टाइमिंग बुक में यही है, हमारे पास प्रूफ है तो हम इसे प्रेफर करेंगे, ठीक है ना। देखते हैं स्पेशल नोट अबाउट द चेन, पहले देखिए चेन सर्वे में जब फुल चेन यानी कि 20-30 मीटर, ठीक है ना, कहाँ होती है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होती है, तब एग्जैक्ट लेंथ किसी पॉइंट पर रीड करने के लिए हम टेली का यूज़ करते हैं। देखिए अब ये क्या बोल रहा है, देखिए ये बोल रहा है, जैसे कि मान लो आपने ये पूरी चेन लगा 30 मीटर की, कितनी मीटर की चेन है सपोज, ये 30 मीटर की चेन है, ठीक है। अब इस चेन में अलग अलग लिंक वगैरह पता है, कड़ी से कड़ी मिला के चेन बनी हुई है, ठीक है। अब मैं आपको बोलूँ कि आप इसकी लेंथ नापो 30 मीटर, तो आप क्या करोगे, शुरू से पूरे 30 मीटर, लेकिन मैं बोलूँ यहाँ पे कितना मीटर है, तो आप शुरू से नापोगे ना कितना कितना मीटर है। ये बोल रहा है कि चेन में ऐसा एक एक इस लोकेशन में नापने के लिए कैसे नापे, शुरू से नापे, तो इस लोकेशन में अगर डिस्टेंस आपको मेजर करनी कितनी मीटर की थी, तो वो एग्जिट पता करने के लिए यहाँ पे कुछ क्या टैलीज लगाई जाती हैं, ठीक है ना, टैलीज। तो वो टैलीज की बात, जैसे मान लो वो टैली की शेप क्या है, मान लो 1 मीटर की, सपोज यहाँ पे ये वाली टैली यहाँ लगी हुई, इसका मतलब यहाँ पे 1 मीटर हो चुका है। सपोज मैंने यहाँ पे आया, यहाँ पे ये टेल लगी हुई, तो मैं कह दूंगा यहाँ से पीछे कितनी थी, 4 मीटर थी, ठीक है, और 5 मीटर पे इससे पीछे 5 मीटर था, ठीक है। तो वो बोलता है भाई ये टेली इस प्रकार लगी होती है, और जिससे मान लो पूरी चेन 30 मीटर की है ना, तो यहाँ से 15 तक, फिर उसके बाद 15 से फिर 30 तक, यानी कि जो 3 में रिपीट हो रहा है वो 7 में हो जाएगा, तो 2 में रिपीट हो रहा है वो 8 में हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं टू मेजर राइट एंगल इन चेन, चेन सर्वे में राइट एंगल, यानी कि राइट एंगल कैसे, जैसे जब आप वो करते हैं ना ऑफसेट, मान लो ये आपकी लाइन है, ये आपकी चेन सर्वे की लाइन है, और आपको यहाँ पे इससे यहाँ पे कोई परपेंडिकुलर चाहिए 90 डिग्री पे, मान लो ये पॉइंट है, इस पॉइंट का वो लोकेट कर रहा है, तो आप इसके इसको लोकेट करने के लिए बोलते हैं इसको ऑफसेट, वो करने के लिए बोल रहे हैं राइट एंगल चेन सर्वे में निकालने के लिए किसका उपकरण करते हैं, कई उपकरण यूज होते हैं, इसका नाम है क्रॉस स्टाफ, ऑप्टिकल स्क्वायर और प्रिज्म स्क्वायर। इसमें ध्यान रखना ऑप्टिकल स्क्वायर होता है, इसमें 2 मिरर होते हैं और दोनों मिरर 45 डिग्री के कोण पे लगे हुए होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये और ये पॉइंट, मान लो यहाँ मैंने भाई इन मान लो यहाँ पॉइंट को लोकेट किया मैंने, तो मैं इस लाइन पे ऑप्टिकल स्क्वायर उसको हैंड में यूज़ कर सकते हैं, हाथ में लेके इस लाइन पे चलता हुआ, जिस पॉइंट में मुझे ये और ये लाइन कौन सेट दिखेगी
यानी कि हो जाएगा 90 डिग्री पूरा, तो यह होगा ऑफसेट मेथड, ठीक है ना। तो राइट एंगल निकालने के लिए प्रोसेस ऑफ ऑप्टिकल स्क्वायर और प्रिज्म स्क्वायर तीनों का उपयोग किया जाता है। क्या निकालने के लिए? राइट एंगल सेंसिटिव में राइट एंगल निकालने के लिए प्रोसेस ऑफ ऑप्टिकल स्क्वायर और प्रिज्म स्क्वायर का यूज किया जाता है, ठीक है। ठीक है, तो ये तो हमारा था चेन और टेप के बारे में आपको बता दिया, ठीक है। अब हमारा चैप्टर है कि बेसिक डेफिनेशंस इन चेन सर्वे। चेन सर्वे में बेसिक डेफिनेशन कौन कौन सी होती है, ठीक है ना। अब देखिए, बेसिक डेफिनेशन स्टार्ट करने से पहले पहले हम चेन सर्वे के मेन जो मोटो उसको समझ लेते हैं। जैसे कि मान लो ये कोई बड़ा सारा एरिया दिख रहा है आपको, लॉन्ग एरिया है, इसका मुझे चेन सर्वे करना है, ठीक है। अब मैंने क्या किया है कि इस पे मैंने मेन स्टेशन फिक्स कर दिए। आप ध्यान रखना, चेन सर्वे या टेप सर्वे जब हम करते हैं तो हम मैक्सिमम ऐसे पॉइंट्स चुनते हैं या ऐसा कुछ करते हैं कि ट्रायंगल बन सके। जितने ट्रायंगल बनेंगे उतने कैलकुलेशन इजी हो जाती है, ठीक है। तो पहला पॉइंट कौन सा है? मेन स्टेशन। देखिए मेन स्टेशन कौन सा? ए बी सी डी, ए बी सी और डी, ये चारों क्या है? मेन स्टेशन। अब मेन स्टेशन पहले मैंने फिक्स कर लिए, अब इनको जो मिलाने वाली लाइन होगी वो कहलाएगी मेन लाइन, यानी कि ए सी सी बी बी डी और डी ए, ठीक है। ये हो गया पहला मेन स्टेशन ए बी सी डी, फिर मेन लाइन ए सी सी बी बी सी और बी डी और डी ए, फिर बेस लाइन। बेस लाइन क्या होती है? बेस लाइन आप कह सकते हो कि सबसे लंबी मेन लाइन हो सकते हो, दो लंबे सबसे लंबे मेन स्टेशन को मिलाने वाली लाइन। तो बेस लाइन यानी सबसे लंबी मेन लाइन वो कौन सी? ए और बी, पूरा यहाँ से मिला दे बेस लाइन। टाई लाइन कौन सी है? टाई लाइन है ई एफ जी एच, और चेक लाइन है सी आई और डी जे, ठीक है ना। यहाँ से इसको समझ लेंगे। अब अपने एक पॉइंट को समझते हैं। पहले देखिए मेन क्या है। मेन स्टेशन चेन सर्वे में वह पॉइंट होता है जहाँ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल मीट, यानी कि मेन स्टेशन ए बी सी डी किसी भी चेन सर्वे में वो पॉइंट होते हैं जहाँ किसी ट्रायंगल की मतलब त्रिभुज की दो साइड्स मिलती है। देखो यहाँ पे दो मिल रही है, यहाँ पे भी दो मिल रही है, ये दो यहाँ पे दो मिल रही है और यहाँ पे दो मिल रही है, यानी किसी किसी चेन सर्वे में ट्रायंगल की दो साइड मिलती है। यहाँ पे ये दो मिल रही है, यहाँ पे ये और ये मिल रही है, यहाँ पे ये और ये मिल रही है, और यहाँ पे ये और ये मिल रही है। तो चेन सर्वे में मेन स्टेशन वो पॉइंट होता है जहाँ पे दो साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल मीट, किसी भी त्रिभुज की दो दिशाएं आके मिलती हैं, ठीक है। फिर मेन स्टेशन हो गया, ठीक है। मेन लाइन, दो मेन स्टेशन को जोड़ने वाली लाइन मेन लाइन कहलाएगी, यानी कि ए सी ए डी मेन लाइन हो गया। बेस लाइन क्या हो गया? बेस लाइन ए बी इज द लॉन्गेस्ट मेन लाइन, ठीक है ना, सबसे लंबी मेन लाइन होती है, और अदर सर्वे लाइन इसी मेन लाइन से नापी जाती है, ठीक है ना। यानी कि इस पूरे बात करें चेन सर्वे की, तो ये मेन लाइन हो गया, फिर ये बना बेस लाइन। अब इस बेस लाइन से मुझे किसी पॉइंट की लोकेशन नापनी है, तो इसको रेफरेंस लेके मैं नापूंगा, ठीक है ना। यहाँ पे चीज़ें दिखाई गई, देखो ये कोई पॉइंट तालाब दिखाया गया, ये पेड़ दिखाया गया, ये कोई बिल्डिंग दिखाई गई, ठीक है ना। अब इनकी लोकेशन को मुझे प्लॉट करना है, तो एग्जैक्ट लोकेशन प्लॉट करने के लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले ए बी सी डी मेन स्टेशन बनाई, फिर मेन लाइन बनाई, फिर बनाई बेस लाइन। अब बेस लाइन से मुझे यहाँ पे और यहाँ पे बिल्डिंग लेने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। अगला क्या? टाई लाइन। टाई लाइन को ऑक्सिलरी लाइन भी कहते हैं, ठीक है ना, ऑक्सिलरी लाइन। ये लाइन मेन सर्वे लाइन से दूर किसी लाइन की इंटीरियर डिटेल निकालने के काम आती है, ठीक है ना। टाई लाइन कौन सी थी हमारी? ई एफ जी एच, ठीक है। अब देखिए मान लो ई एफ जी एच, मैंने दो पॉइंट और ले लिए। अब मान लो यहाँ से ये पॉइंट पेड़ यहाँ पे, तो ये मेन लाइन, ये मेन लाइन, ये मेन लाइन, ये बेस लाइन होगी। बेस लाइन से ना यहाँ पे इसकी डिटेल ही आ गई, लेकिन इसकी मुझे और डिटेल चाहिए इंटीरियर। तो इस जो लाइन है हमारी कौन सी है? बी सी और ए सी मेन लाइन। यहाँ से मैंने एक लाइन और खींच दी, अंदर की तरफ लाइन आ गई किसी डिस्टेंस पे, इक्वल डिस्टेंस पे, वो कहलाएगी टाई लाइन। तो अब टाई लाइन से क्या है, इस प्रोजेक्ट की या इस बोल सकते हैं हम ऑब्जेक्ट की इंटीरियर डिटेल भी हमको मिल जाएगी और एक्यूरेसी हमको पता हो जाएगी, ठीक है ना। फिर हमारा है चेक लाइन। चेक लाइन चेन सर्वे की एक्यूरेसी निकालने का काम आता है। चेक लाइन कौन सी है? सी आई और डी जे, हम सर्वे सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, एक्यूरेसी सही है या नहीं है, वो निकालने के लिए चेक लाइन आती काम, ठीक है। अब कोई पूछे सर इसमें क्वेश्चन कैसा आता है ऑब्जेक्टिव में? इसमें क्वेश्चन ऐसा आता है कि पहला क्वेश्चन आता है कि द लॉन्गेस्ट मेन लाइन
इज नोन एज, नो सबसे लंबे मेल क्या बोलते हैं, बेस लाइन। मेन स्टेशन क्या होता है, मेन लाइन क्या होती है, टाइल को और क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरी लाइन बोलते हैं, टाइल का यूज क्या है, इनके यूज और ऑब्जेक्टिव से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, ऐसे थे हमारा नोट का। इन चेन सर्वे वेल कंडीशन ट्राइंगल का यूज करते हैं। आपको पूछेगा सर व्हाट इज द, कई बार क्वेश्चन आता है कि सर वेल कंडीशन ट्राइंगल होता क्या है। ठीक है ना, देखिए वेल कंडीशन ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जब सभी लाइन का जो इंटरसेक्शन है वो हमें क्लियर विजिबल हो। ठीक है ना, कैसे, जैसे कि मान लो ये सर्वे लाइन दिख रही है आपको, सपोज ये सर्वे लाइन मान लो यूँ जा रही है और कोई यूँ जा रही है और कोई यूँ जा रही है। ठीक है ना, इसको और रिसर्च कर लेते हैं, इससे आपको दिख रहा होगा। ये देखिए एक सर्वे लाइन यूँ जा रही है, एक इधर और एक इधर। अब यहाँ पे जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये पॉइंट ए, ये एकदम क्लियर विजिबल है। जब किसी ट्रायंगल में सभी लाइंस का इंटरसेक्शन क्लियर हो तो वह ट्रायंगल वेल कंडीशन, तो ये वेल कंडीशन ट्रायंगल है। जबकि यहाँ देखिए यह इंटरसेक्शन इधर हो गया, इधर हो गया, इधर हो गया, इंटरसेक्शन कोई क्लियर नहीं है। जब इंटरसेक्शन तो उसका क्लियर ना हो और तो उसे हम बोलते हैं वेल कंडीशन ट्रायंगल नहीं बोलेंगे, और जब इंटरसेक्शन क्लियर हो उसे बोलेंगे वेल कंडीशन ट्रायंगल। ठीक है, यदि लाइन के बीच कोण 30 डिग्री से 120 डिग्री हो तो इंटरसेक्शन क्लियर बनता है। अगर कोण 30 डिग्री से 120 डिग्री हो तो इंटरसेक्शन क्या बनता है, एकदम क्लियर बनता है। एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट वेल कंडीशन ट्रायंगल। ठीक है ना, एक सम बहुत्रिभुज सबसे अच्छा वेल कंडीशन ट्रायंगल होता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना, छोटा सा टॉपिक था ये। ठीक है, तो अभी मैंने आपको सिर्फ चेन और टेप सर्वे क्या होता है इसका मैंने आपको बेसिक बताया है, और यहाँ से आने वाले एग्जाम्स के क्वेश्चन भी आपको मैंने बता दिए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम चेन और टेप के करेक्शंस पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा और नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे फिर हम हमारा करेंगे कंपास सर्वे। ठीक है ना, तो अभी के लिए इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।